सबसे पहले मैं आपको यह पूछता हूँ कि क्या आपने कभी सोचा है कि वाई डू वी एज? नहीं, मतलब सच में यार, हम सब लोग जानते हैं कि हम जन्म लेते हैं, अपने लाइफ को जीते और आखिर में मर जाते हैं, यानी मौत का इंतजार। और इसका मेन रीजन होता है एजिंग। पर हमारा शरीर हमेशा के लिए क्यों जिंदा नहीं रहता? तो आओ यार, सो लेट्स एक्सप्लोर इमोर्टैलिटी। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं कि हमारा बॉडी आखिर क्यों एज करता है। बात कुछ यूँ है ना कि हमारे शरीर में दो तरीके के सेल्स होते हैं। एक तो होते हैं फंक्शनिंग सेल्स और दूसरे होते हैं नॉन फंक्शनिंग सेल्स। जो फंक्शनिंग सेल्स होते हैं ना, वो हमें जिंदा रखते हैं, और दूसरे जो नॉन फंक्शनिंग सेल्स होते हैं, वो धीरे धीरे हमारे शरीर में स्टोर्स होते हैं। पर जब हमारी एज कम होती है तब ये सेल्स मोस्टली मर जाते हैं और ये हम लोगों को कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं करता। पर जैसे जैसे समय बीतता है ये हमारी बॉडी में ज्यादा मात्रा में स्टोर्स होने लगते हैं और ये पूरे सेल की मरने की स्पीड स्लो हो जाती है और धीरे धीरे यही सेल्स डोमिनेट करने लगते हैं। और ये बुरे सेल्स इतने ज्यादा हो जाते हैं कि वो सेल्स उन जगहों को भी ले लेता है जो फंक्शनिंग सेल को चाहिए हमारे शरीर को जिंदा रखने के लिए। एंड इन टर्न हमारा बॉडी ब्रेक डाउन होने लगता है। डू यू नो, हर महीने लगभग 1 लाख लोग ओल्ड एज के चक्कर में मरते हैं। रिकॉर्ड के हिसाब से आज तक की सबसे ज्यादा जिंदा रहने वाली ह्यूमन बींग एक महिला है जिनका नाम है जेन केलमैन। इनकी डेथ तब हुई थी जब 122 साल की थी। ज्यूरोन्टोलॉजिस्ट ओरवी डी ग्रे ने कई थियरीज निकाली है इमोर्टालिटी के ऊपर, कई पिक्चर्स भी बनी है यार। उनका मिशन ये था कि किसी भी तरह को ऐसी मेथड को पता करना जिसे हम लोग एजिंग की प्रॉब्लम को सोल्व कर सके। शायद ये हमको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, पर हमको ये जान लेना चाहिए यार कि आज के साइंस के वर्ल्ड में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए जा रहे हैं इस कोशिश में कि हम लोग किसी ह्यूमन ब्रेन को किसी कंप्यूटर में डाल सके। यस, पुट ह्यूमन ब्रेन्स इन कंप्यूटर। थिंक, आपका दिमाग, आपकी मेमोरीज और आपके एक्सपीरियंस को किसी डिजिटल कंप्यूटर में अपलोड कर दिया जाए और वही हमेशा के लिए, और इससे चलते आप जिन लोगों से प्यार करते हो उन लोगों के साथ हमेशा जी पाओ। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, है ना? ये भी शायद कुछ साल बाद संभव हो जाएगा और शायद आपकी यादें अमर हो सके इस बॉडी में नहीं बल्कि एक कंप्यूटर में। मैंने ये सब साइंटिफिक वे में बताया है। अगर थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक करो यार, शेयर टू योर वी लव्ड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल, वो लाल बटन को प्रेस कर दो यार। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बी सेफ एंड स्टे होम।